आपको बता दें कि तीसरे चरण का मतदान होना है कल। 11 राज्यों की 93 सीटों पर यह वोटिंग होनी है। तीसरे चरण में अमित शाह समेत कई दिग्गज हैं जिनकी किस्मत दांव पर होगी। इसमें डिंपल यादव और शिवराज सिंह चौहान की किस्मत का भी फैसला जनता करेगी। 4 जून को चुनाव के लिए नतीजे जो हैं वो आ जाएंगे। तो 11 राज्यों में कुल 93 सीटों के लिए मतदान होना है और आपको बता दें कल वो तारीख है जब मतदान के लिए तमाम जो लोग हैं, मतदाता हैं, वो मतदान केंद्रों पर पहुंचेंगे। तीसरे चरण का ये मतदान है, अपने आप में बेहद खास हो जाता है क्योंकि इन 93 सीटों पर कई दिग्गज हैं जिनकी किस्मत का फैसला जनता कल कर देगी। तो लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान है, 7 मई को यानी कि कल ये इसके लिए वोटिंग होनी है और इसे लेकर चुनाव प्रचार जो है, आपको ये बता दें कि रविवार शाम को थम गया था। रविवार शाम को तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार भी थम गया था। उससे पहले तमाम दिग्गजों ने ताकत जो है वो झोंकी थी। तीसरे फेज में करीब 120 महिलाओं समेत 1300 से अधिक उम्मीदवार जो हैं वो मैदान में हैं और कई दिग्गज जिनकी किस्मत दांव पर। और देखिए, ज्यादा बातचीत करने के लिए हरियाणा न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमित, देखिए रविवार शाम को चुनाव प्रचार भी थम गया था तीसरे चरण के लिए, तमाम नेता जो है उन्होंने ताकतें झोंकी थी इसमें चुनाव प्रचार करने के लिए और अब कल मतदान होना है, तमाम जो मतदाता है वो पहुंचेंगे। बड़ी बात यह है कि कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला कल होने जा रहा है तीसरे चरण में। अमित, बिल्कुल, सृष्टि तीसरा चरण है और ये महत्वपूर्ण चरण है और खासतौर पर कई दिग्गजों की जो भविष्य का फैसला मतदाता उन संबंधित क्षेत्रों के करेंगे, क्योंकि देखिए पहला चरण बीता उसमें 102 सीटों पर मतदान हुआ, दूसरे चरण में 88 सीटें शामिल की गई, अब ये तीसरा चरण है जिसमें 11 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश और साथ साथ 93 सीटें हैं जिनके भविष्य का फैसला होना है। और खासतौर पर अगर दिग्गजों की जहां तक बात की, सृष्टि आपने देखिए खुद केंद्र के गृह मंत्री अमित शाह चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं, गांधीनगर सीट भी वो भी इस चरण में शामिल है, गुजरात की 25 सीटें जो है वो इस चरण में शामिल है। इसके अलावा बात करें तो उत्तर प्रदेश की 10 सीटें हैं और साथ साथ देखिए उत्तर प्रदेश की तो खास बात है कि 7 चरणों में चुनाव होना है और 7ों ही चरण जो है उत्तर प्रदेश में सीटें उनकी शामिल है। तो ऐसे में और एक और भी खास बात है कि उत्तर प्रदेश की कि देखिए अखिलेश यादव का पूरा परिवार जो है वो इस चरण में शामिल है, यानी कि उनके भाग्य का फैसला जो ईवीएम के जरिए मतदाता करने वाले हैं, खासतौर पर उनकी पत्नी डिंपल यादव मैनपुरी से चुनाव लड़ रही है, इसके अलावा उनके पारिवारिक सदस्य भी चुनाव लड़ रहे हैं और मध्य प्रदेश के देखिए पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं, इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया है केंद्रीय मंत्री है और दिग्विजय सिंह पूर्व मुख्यमंत्री है। तो ऐसे में कई महत्वपूर्ण सीटों पर और एक और खास बात है सृष्टि कि महाराष्ट्र की बारामती सीट पर खासतौर पर इस बार देश की निगाहें लगी हुई है, वो एनसीपी की पारंपरिक सीट है और उस सीट पर सुप्रिया सुले जो शरद पवार की लड़की है उन बेटी है वो चुनाव मैदान में उतरी हुई है और साथ साथ उनका मुकाबला उन्हीं की जो जो भाभी है यानी अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार उनके साथ होने जा रहा है। तो ऐसे में एक दिलचस्पी भरा मुकाबला बारामती सीट पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा भी कई ऐसी महत्वपूर्ण सीटें हैं जहां कल जो है चुनाव होगा और मतदान के लिए भी कोशिशें की गई है। देखिए चुनाव आयोग की ओर से लगातार कोशिश की गई है ताकि मतदाता जागरूक होकर बूथ तक पहुंचे, ऐसी कोशिश की गई है, ऐसे कई कार्यक्रम चलाए भी गए। अब देखने वाली बात है कि उन कार्यक्रमों में कितना सफल जो है वो चुनाव आयोग रहता है। पिछले दो चरणों की अगर बात करें तो कई जगह पर वोटिंग परसेंटेज जो था वो थोड़ा कम माना गया था, इस बार तीसरे चरण में कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो मतदान केंद्रों पर पहुंचे ताकि वोटिंग परसेंटेज भी थोड़ा बढ़ सके। निश्चित रूप से पिछली बार पहले चरण में हालांकि देखिए मतदान प्रतिशत काफी कम रहा था, दूसरी बार कुछ उसमें मामूली इजाफा हुआ, इस बार कोशिश की गई। और देखिए तो सबसे बड़ी चुनौती जो है वो एक तो भीषण गर्मी है और इन तमाम क्षेत्रों में गुजरात की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, यहाँ जो है वो खासी गर्मी बढ़ रही है जिस वजह से इस भीषण गर्मी में मतदाता को घरों से निकालकर बूथ तक लाना भी एक बड़ी चुनौती है। तो ऐसे में इस चुनौती का देखिए किस तरह से तमाम जो चुनाव मैदान में उतरे हुए, देखिए 1351 प्रत्याशी हैं जो चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, तो उनके लिए भी चुनौती रहेगी और खुद चुनाव आयोग के संबंधित जो चुनाव आयोग है राज्यों के उनके लिए भी चुनौती है और प्रत्याशियों के लिए चुनौती है इस गर्मी में मतदान प्रतिशत बढ़ाया जाए।
ऐसी कोशिशों में लगे हुए, देखने वाली बात है कितना वे सफल हो पाते हैं। जब मतदान प्रतिशत कम होता है अमित, तो क्या उसको इस तरह से भी देखा जाता है कि वोटर जो है वो ज्यादा एक्साइटेड नहीं है, क्योंकि मेन क्या मेन मुद्दे होते हैं, अगर कोई बहुत ज्यादा प्रभावी मुद्दे रहते हैं, जैसे 2014 की बात करें, उसकी बात करें, कई ऐसे प्रभावी मुद्दे थे जिन्होंने ज्यादा इम्पैक्ट किया, तो जितना वोटर्स एक्साइटेड होगा उतने ज्यादा वोटर्स जो हैं वो मतदान केंद्रों पर पहुंचेंगे और वोट करेंगे। निश्चित रूप से उत्साह तो देखिए पहले की बनिस्पत घटा ही है, लगातार उत्साह जो है मतदाताओं में कम हुआ है, और इसी उत्साह को बढ़ाने के लिए ही तमाम कार्यक्रम जो है चुनाव आयोग ने चलाए, चुनाव को लोकतंत्र का महापर्व बताया और उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की कोशिश भी की गई। अब उसमें कितनी कोशिशों में कामयाब होंगे, और सबसे बड़ी बात जो मुद्दों की बात आपने सृष्टि की, देखिए प्रथम चरण के चुनाव में क्या मुद्दे थे, और जब घोषणा पत्र की चर्चा हो रही थी भाजपा अपने संकल्प पत्र का जिक्र कर रही थी और कांग्रेस अपने न्याय पत्र का जिक्र कर रही थी, लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा है वो मुद्दे पीछे छूटते चले गए, दूसरे चरण में अलग तरह की बातें होने लगी, अब तीसरा जो चरण है उसमें देखिए पूरी तरह से जो है चुनाव का मुद्दा जो है वो परिवर्तित हो गया है, और शहंशाह वर्सेस शहजादा इस तरह के बयानबाजियों पे आने लगे हैं, तो मतदाता इन सब के बीच में उसके लिए बड़ी एक कठिनाई की बात है कि वो इन मुद्दों पर ध्यान दे या इन जानों पर ध्यान दे। तो आरोप प्रत्यारोप के बीच ये तीसरे चरण का चुनाव है, देखने वाली बात है कि कितना प्रतिशत मतदान का रहता है और तमाम जागरूकता कार्यक्रमों के का फायदा कितना लोगों को मिलता है। जी बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया अमित जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो देखिए जागरूकता अभियान भी चलाए गए, बार बार अपील भी की जा रही है, तरह तरह के एडवर्टाइजमेंट टीवी पर भी आप देख रहे हैं, न्यूज़पेपर्स पर भी आप देख रहे हैं, जिसमें कोशिश हो रही है कि वोटर्स को जागरूक किया जा सके और ताकि ज्यादा से ज्यादा जो मतदाता है वो मतदान केंद्रों पर पहुंचे और वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए ये तमाम कोशिशें भी की गई हैं। इसके साथ ही पार्टियों की बात करें तो पार्टियों ने भी अपना पूरा दमखम लगाया है। अब देखने वाली बात होगी तीसरे चरण का, ये जो चुनाव है, जो मतदान का जो समय है कल, उसमें कैसा रहता है माहौल, कैसा रहता है जनता का मूड।